नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। बलात्कार या छेड़छाड़ के आरोपी की सभी सरकारी सुविधाएं होंगी बंद। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महिलाओं की सुरक्षा एवं उनके सशक्तिकरण के लिए 10 ऐतिहासिक घोषणाएं की, जिनमें बलात्कार छेड़छाड़ के आरोपी की सभी सुविधाएं निलंबित करना, बलात्कार पीड़ित को निजी वकील की सुविधा प्रदान करना, रेप केस की 1 महीने व इविक्टिंग मामलों की 15 दिन में जांच, 6 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलना, महिला गवाह को अगली डेट न देना, दिन में विशेष पेट्रोलिंग, कन्या स्कूलों में वुमन सेल्फ डिफेंस इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति करना, छात्रा परिवहन सुरक्षा योजना, रात्रि में गश्त, यौन और लैंगिक हिंसा रोकने के लिए कार्य योजना बनाना शामिल है। आप कौन से जिले के महिला कंट्रोल रूम से बोल रहे हैं? सर, मैं पंचकुला से बोल रही हूँ। पंचकुला से बोल रहे हैं जी सर। हाँ, आपकी जानकारी के लिए ये जो ऐप है विधिवत इसको आज लॉन्च कर दिया गया है, इसलिए आज इस कार्यक्रम के बाद जो भी बहनें, जो महिलाएं, जो माताएं इस ऐप को अपने यहाँ डाउनलोड करना चाहेंगी वो डाउनलोड करवा सकती है अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, और उसके बाद पूरे हरियाणा में विधिवत इस ऐप के माध्यम से जो भी सूचना है वो पीड़ित कोई भी हमारी बहन, माता, कोई महिला जो इस कंट्रोल रूम पर भेजना चाहती है वो भेज सकेंगे। आप उसके ऊपर तुरंत एक्शन करने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। एक और बड़ा काम, अभी अभी हम लोगों ने योजना बनाई कि नौकरियों में पारदर्शिता होगी, नौकरियों में इंटरव्यू नहीं होगा, क्योंकि ये इंटरव्यू की ऐसी बीमारी थी जिसके ऊपर कितना ही ठीक कर लो तो भी कहीं ना कहीं लीकेज हो जाती थी या कहीं ना कहीं शंका बनी रहती थी कि भाई परीक्षा में तो पास हो गया लेकिन इंटरव्यू के अंदर उसने नंबर कम कर दिए, चाहे उसके अपने आप में कम हुए हों, चाहे जानबूझ के कम किए हों या किसी के जानबूझ के बढ़ा दिए हों, ये शंकाएं बनी रहती थी। हमने कहा अब सी और डी में कोई इंटरव्यू नहीं होगा, हर किसी को उसकी मेरिट के ऊपर नौकरी मिलेगी, ये हमने घोषित किया। इसके आगे हमने एक 10 अंक विशेष ये रखे कि नहीं कुछ विशेष ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको लाभ होना चाहिए। हमने 5 अंक ये रखे कि कोई विधवा बहन है उसका बेटा बेटी या मानो खुद है तो उसको 5 अंक अतिरिक्त देंगे ताकि उसको नौकरी का सहारा मिल जाए। यहां तक भी ठीक था। इसके आगे हमने जो काम किया वो जरा ध्यान से सुनने वाला है। हमने 5 अंक और रखे कि जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है, जिसके घर में माताजी की, पिताजी की, भाई की, बहन की, बेटी की, पत्नी की, किसी की नौकरी नहीं है या लड़की है तो पति की, यानी जिसके घर में एक भी नौकरी नहीं है उसको 5 नंबर अलग देंगे ताकि अंत्योदय की भावना से हर परिवार में कम से कम एक नौकरी जाना शुरू तो हो। ये एक नया हमने पहलू किया। अब इसके आगे और एक नई बात, ये खास करके हमारी बहन बेटियों के लिए है। एक सुझाव आया, एक शिकायत आई कि भी मान लो किसी घर में पहले से एक बेटी है, बेटा भी है, बेटी भी है, बेटी की नौकरी लगी हुई है, बेटा इसलिए रह जाएगा कि घर में बेटी की नौकरी है और 2 साल के बाद बेटी क्या होगा, शादी होकर चली जाएगी, ये घर तो वैसे वैसा फिर रह गया। ऐसे ही कोई बहन है, उस बहन की नौकरी लगी, 2 साल बाद उसकी शादी हो गई, बाकी भाइयों को इसका असर जाता है। बड़ा गंभीरता से विचार किया और विचार करने के बाद मैंने कहा कि ठीक है, इस बंधन में हम बेटी और बहन इसको छोड़ देते हैं। बेटी बहन की नौकरी भले ही हो
बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए, और बाकी किसी की होगी तभी उसको 5 नंबर, नहीं बाकी किसी की नहीं होनी चाहिए उसको 5 नंबर मिल जाएंगे। यानी इससे बड़ा और कोई हम अपने बेटियों को बहनों को आगे बढ़ाने का मार्ग हमारे पास कोई नहीं हो सकता। तो इसलिए ये सारे काम इसलिए हम कर रहे हैं कि जो महिला जगत है, ये मातृशक्ति है, इसको हम ससम्मान जीने का एक अवसर दिलाएं। इसके खिलाफ होने वाली हर बात को कैसे हम दूर करें, इसका सशक्तिकरण कैसे हो, इस काम में हम लगे हैं।